हेलो गाइस, चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका, दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ सिक्स क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी, अवर कंट्री इंडिया। ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इंडिया के बारे में जानते हैं पहले तो, कि इंडिया एक वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है, मतलब एक अच्छा खासा चौड़ा कंट्री है, लंबा चौड़ा, ठीक है। इसके नॉर्थ की बाउंड्री, उत्तर की तरफ जो बाउंड्री है वो हिमालयस बनाते हैं, लॉफ्टी हिमालयस, और वेस्ट की तरफ कौन सा है, अरेबियन सी है। ईस्ट की तरफ आपका कौन सा है, बे ऑफ बंगाल है, और अगर साउथ की तरफ देखें तो इंडियन ओशन है। अगर एरिया वाइज बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसकी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर एक्सटेंशन देखें, लद्दाख से कन्याकुमारी तक तो 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर है। अगर गुजरात से हम देखें, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, कच्छ, अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ तो 2900 किलोमीटर, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर की है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो लॉफ्टी माउंटेन है, मतलब जो ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, ग्रेट इसके अंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एक बहुत बड़ा, मतलब जिसको हम इंडियन डेजर्ट बोलते हैं वो है, ठीक है, नॉर्थ पेनिनसुला के अंदर। द अनवेल प्लेटू, सॉरी अनइवन प्लेटू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट ए डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म। क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो आपका जैसे डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गए, नॉर्थ के अंदर जो प्लेन एरिया है वो हो गए, अन ईवन ऊंचे उबड़ खाबड़ प्लेट्यू हो गए, ठीक है, और आइलैंड हो गया, ये डाइवर्सिटी एक विभिन्नता जो लैंड फॉर्म के अंदर है उसको दर्शाते हैं। ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के वो है क्लाइमेट है। और अगर मैं बात करूँ वेजिटेशन, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की वनस्पति, वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जीव हैं वो, और डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, हर स्टेट में आपको अलग अलग कल्चर मिल जाएगा, हर स्टेट में, मतलब स्टेट का एक ही कल्चर नहीं, स्टेट में भी डिफरेंट कल्चर मिल जाएंगे आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पे, ठीक है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाउंड दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज वन नेशन, कि भाई ये जो बहुत अलग अलग ट्रेडिशंस हैं उनके बावजूद भी कुछ है जो हमें क्या बांधे हुए हैं, एक राष्ट्र के रूप में बांधे हुए। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन मोर देन, नहीं अभी तो मोर देन नहीं है, ठीक है, 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 में सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थे, लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ, आज हम क्या हैं, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा अगर कहीं पॉपुलेशन है, नंबर वन पे, पॉपुलेशन के मामले में नंबर वन पे है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंडिया की लोकेशन की, लोकेशन सेटिंग, इंडिया की लोकेशन कहाँ है, कैसे है, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से के इंडिया के बीचों बीच पास होती है, 8 स्टेट से पास होती है, ठीक है, दो बराबर, ऑलमोस्ट हाफ दो बराबर भागों में बांटती है। अगर एक्सटेंशन की बात करूं, इंडिया 8.4 डिग्री नॉर्थ से और 37.6 डिग्री नॉर्थ में लेटीट्यूड में फैला हुआ है, 68.7 ईस्ट टू 97.25 लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ऑलमोस्ट 29 डिग्री का एक्सटेंड है। अब हमने पिछले चैप्टर में देखा था 29 डिग्री का एक्सटेंशन है, इसलिए डिफरेंट लोकेशन पे जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा, टू एक्सट्रीम लोकेशन पे टाइम आएगा इंडिया की, मतलब अगर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूँ, दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा था हमारे, हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 आवर्स, यहाँ पे लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाएगा,
जो कि हमने पिछले चैप्टर में एज यू हैव लर्न अर्लियर जो पिछले उसमें चैप्टर में हमने देख लिया था कि कैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ टाइम चेंज होता है, कि वहाँ पे 4 मिनट होते हैं हर एक डिग्री के लिए, 4 मिनट हमने देखा था कि 15 डिग्री कितने देर में जाएगा, 60 मिनट में जाएगा, है ना, और एक डिग्री कितने मिनट में जाएगा, 4 मिनट में हमने निकाल के देखा था। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की, तो वहाँ पे 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ रहा था। इंडिया के बीचों बीच हमने एक कॉमन टाइम लिखा था, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड है आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमने वो 82.5 से लिया, 82.30 यहाँ से लिया है, जो कहाँ से, जो आपका मेरिडियन ऑफ इंडिया कहलाता है, जो हमारा क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से कितना आगे है, प्लस 5.30, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। इंडियन नेबर्स की बात करते हैं कि इंडिया के आस पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये किस तरफ है आपके, वेस्ट की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ चाइना हो गया, ठीक है, तिब्बत हो गया, उसके बाद आपका ईस्ट की तरफ म्यांमार हो गया, और नीचे की तरफ साउथ की तरफ देखेंगे तो एक छोटा सा कंट्री है, दैट इज आपका श्रीलंका, ये हमारे नेबर्स हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है कि कौन कौन से स्टेट हैं इंडिया के अंदर, कौन कौन सी यूटीज हैं। आप देखोगे कि श्रीलंका, हाँ बोला गया है कि इंडिया के नेबर में जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स है, श्रीलंका पाक स्टेट से इंडिया से जुड़ा हुआ है, इंडिया और श्रीलंका के बीच छोटा छोटा वो दिखाया हुआ है ना, देखो ये जो छोटा छोटा ये दिखाया हुआ है, ये वाला है, इसको हम बोलते हैं पाक स्टेट, ठीक है। अगर इंडिया के माउंटेन्स की बात करें तो देखो भाई, सबसे पहले ये जो है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, और ये मिडल हिमालय हो गया, उसके बाद शिवालिक हो गया, ये यहाँ से रिवर्स आ रही हैं आपकी, यमुना, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, उसके अलावा आपकी नर्मदा, तापी, ये आपकी इंडस है, यहाँ से ये इंडस है, इंडस रिवर है ना, ये गई आपकी, ये इंडस है पूरी, ये रही है पाकिस्तान में, यहाँ से पाकिस्तान में घुस गई, उसके बाद ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये सतलज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाइए, ये सारा ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये पूरी गंगा हो गई आपकी, यहाँ से ये आपकी ब्रह्मपुत्र आ गई, ये ऐसे ऐसे, वेस्ट बंगाल में, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, बांग्लादेश में, यहाँ से एंटर करती है, ठीक है, और ये आपकी हुई, ये महानदी हो गई आपकी इधर, ये महानदी, ये रही आपकी महानदी, ठीक है, ये गोदावरी, ये आपकी कृष्णा, और नीचे आपकी कावेरी, ये हो गई, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वेस्टर्न कोस्टल लाइन हो गया, ये रहा ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया आपका, ये पढ़ेंगे माउंटेन्स पढ़ेंगे आपके, जैसे विंध्याचल हो गया, ये सतपुड़ा हो गया, ठीक है, नर्मदा तापी यहाँ फ्लो करती है, ये पढ़ेंगे आगे जब चल के इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, दिल्ली नेशनल कैपिटल है हमारी। फिजिकल डिवीज़न की मैं बात करूं तो इंडिया मार्क बाय द डिवीज़न फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन प्लेटू, अभी देखे हमने हिमालय हो गया जैसे हमारा, ठीक है, अवार्ड ऑफ स्नो, मतलब स्नो का घर, अवार्ड ऑफ गॉड भी बोलते हैं कि भगवान का घर है हिमालय पे, जैसे भोले बाबा निवास करते हैं, ठीक है। हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंज, भाई 3 रेंज है, जैसे ग्रेटर हिमालय, ठीक है, जिसको हिमालय हिमाद्री बोलते हैं, मिडल हिमालय जो हिमाचली हिमालय, और शिवालिक,
ठीक है, जो साउथ मोस्ट रेंजेज हैं सबसे कम हाइट की। उसके बाद नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर प्लेन्स हैं जो कि किससे बनी हैं, नदियों के, नदियां जो मिट्टी बहा के लेके आती हैं उनसे बने हैं। एलुवियल प्लेन्स बोलते हैं इनको, एलुवियल डिपॉजिट होते हैं क्योंकि यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान बोला जाता है क्योंकि उनके ट्रिब्यूटरीज से बने हैं ये। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट की अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स हैं ये बहुत फर्टाइल होते हैं, कल्टीवेशन के लिए मोस्ट स्टेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फसल है वो बहुत अच्छी होती है, इसीलिए बोला जाता है कि ये बहुत फर्टाइल होते हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, के वेस्ट की तरफ डेजर्ट है। इट इज़ ए ड्राई हॉट सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, कि भाई वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, ड्राई एरिया, वहाँ बारिश नहीं होती इसलिए सूखा है, गर्मी पड़ती है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा मिट्टी है और वहाँ पे बहुत लिटल, बहुत कम क्या है वेजिटेशन, वनस्पति बहुत कम पैदा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है। ठीक है, अगर नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूँ, नॉर्थ इंडिया के अंदर पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है, तीन जो इंडिया का ये पार्ट है जो आपके जो कॉर्न, आइसक्रीम के कॉर्न जैसा दिखता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं क्योंकि ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ, पानी के, पानी से घिरा हुआ है तो इसको पेनिनसुला बोलते हैं। ट्रायंगुलर शेप, रिलीफ ए हाईली अनइवन, दिस रीजन इज विद न्यूमरस हिल्स, इसके अंदर बहुत सारी हिल्स हैं, वैलीज हैं। ठीक है, जैसे अरावली हिल्स हो गया, ओल्डेस्ट रेंज है ये, अरावली हिल ओल्डेस्ट रेंज है माउंटेन्स की। ठीक है, बॉर्डर नॉर्थ टू वेस्ट साइड बॉर्डर बनाती है, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, नर्मदा तापी, ये रिवर्स हो गई आपकी। ठीक है, वेस्टर्न घाट आ गया यहाँ पे, सह्याद्री जिसको हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं, जो क्या बना रहा है, बॉर्डर टू द प्लेटू इन द वेस्ट, एंड ईस्टर्न घाट ये भी क्या बनाता है, एक बाउंड्री प्रोवाइड करवाता है ईस्ट की तरफ, लेकिन जो वेस्टर्न घाट है हमारा कंटिन्यूस है, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन, देखो ये वही बता रहा है। ठीक है, वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस है और वो क्या है, ब्रोकन है। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स, कोल एंड आयरन ओर, कि जो ये है कोल है, प्लेटू है ये किसमें, किससे रिच है, आयरन से और आपका कोल से। अगर वेस्ट की बात करूँ, वेस्टर्न, वेस्ट के अंदर क्या है, वेस्टर्न घाट है और ईस्ट के अंदर क्या है, ईस्टर्न घाट है, कोस्टल प्लेन्स हैं। इसके अलावा कोस्ट क्या होता है, किनारे के पास पास जो प्लेन है उनको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो क्या है, बहुत नैरो है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, ईस्ट की तरफ जो प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं और वेस्ट की तरफ छोटे हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डीप है, वो साइड डीप है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर दैट इज़ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ड्रेन इन टू बे ऑफ बंगाल वेयर द फॉर्म ए फर्टाइल डेल्टा एट देयर माउथ, की डेल्टा बनाती हैं वो अपने माउथ के ऊपर, जैसे सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले बनाती हैं, जो आपके वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कुछ सुनामी की तस्वीरें बनाई हुई है बच्चों ने। द टू आइलैंड्स, द टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर आल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी एंड दीज कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो कोरल रीफ से बना हो, आगे चल के पढ़ेंगे कोरल रीफ क्या होती है, आपकी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए जीवों के जो कंकाल हैं उनके से बना हुआ आइलैंड को हम क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, अभी तक, अभी के लिए इतना समझो, आगे देखेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, लोकेटेड ऑफ द केरला, कि केरला से आगे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सदर्न की, सदर्न इंडियन मेनलैंड की, जो इसके इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ अंडमान निकोबार है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, डू यू नो विच आइलैंड, भाई ये पूछ रहा है कि आपको पता है क्या कौन से आइलैंड पे सुनामी आया था। ठीक है, तो ये सेवन्थ चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, सिक्स चैप्टर था ये, लास्ट सिक्स क्लास का लास्ट चैप्टर, दैट इज सिक्स चैप्टर, और कल से हम सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी मतलब अगर 11th 12th की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाए, जो भी आपको सब्जेक्ट करवाना हो, मान लो आपको अभी मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया,
ठीक है, साइंस हो गया, जो भी आपको करवाना हो हम पूरा करेंगे, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, 6 to 12 सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसके अलावा एनवायरनमेंट भी है, एनवायरनमेंट ठीक है वो भी पढ़ेंगे, 6 to 12 सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप साइंस लोगे तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे ताकि ईजिली आपको कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सको। ठीक, मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सको। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चैप्टर बता दे रहा हूँ, आप 10 मिनट इसको 2x के ऊपर भी करके देखोगे, आप इजीली 10 से 15 मिनट में एक एक चैप्टर कवर कर दोगे। ज़्यादा लंबा मैं खींच ही नहीं रहा, मेन मेन चीज़ें मैं चैप्टर से निकाल के बता दे रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो मैं अंडरलाइन करके बोल ही रहा हूँ, आप देखोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय।